दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति में जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन सीबीआई अभी भी उनके खिलाफ जांच कर रही है, इसलिए अरविंद केजरीवाल अभी जेल में बंद है। वहीं जेल में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, गिरफ्तारी के बाद से अरविंद केजरीवाल के वजन में 8.5 किलो की गिरावट आई है, लेकिन इसकी वजह पता नहीं है। यह गंभीर बीमारी का संकेत है। यह अरविंद केजरीवाल, उनके परिवार और चाहने वालों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। आपके राज्यसभा सांसद ने कहा कि उनके जेल में रहने के दौरान 5 बार उनका शुगर डाउन हुआ और 50 से नीचे तक गया। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कोमा तक में जा सकता है। रात में जेल में कोई ऐसा रहता नहीं जो जल्द से जल्द अस्पताल ले जा सके। संजय सिंह ने अजीब कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ईडी के केस में जमानत की संभावना के बीच सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी इसका षड्यंत्र थी, ताकि केजरीवाल स्वास्थ्य के मामले में टूट जाए, उन्हें गंभीर बीमारी हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए। कोर्ट को इन मामले का संज्ञान लेना चाहिए। जालंधर उपचुनाव के रिजल्ट पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि जालंधर के भी नतीजे आए हैं। लगभग 38,000 वोटों से हमारी जीत हुई। पंजाब की जनता हमारे साथ है।